हेलो, गुड इवनिंग। तो मैंने आप लोगों को ये थ्योरम बताया और थ्योरम आप लोगों ने सीखा बहुत अच्छे तरीके से सीखा आपने। बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करवाता हूँ। एक्सरसाइज 6.3, सिमिलरिटी हम लोगों ने सीखा और सिमिलरिटी का थ्योरम का उपयोग करते हुए हम लोग आज आगे चलेंगे और आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स बुक। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आपको करना है इन दोनों ट्रायंगल को देखना है कि सिमिलर है या नहीं, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल एंगल ए इक्वल एंगल पी इक्वल 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू इक्वल 80 डिग्री, एंगल सी इक्वल एंगल आर इक्वल 40 डिग्री। यहाँ पे देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल एबीसी एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। बाई किससे हो जाएगी, बाई ए ए ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी से हो जाएगा जी। ठीक है, सेकंड नंबर में देखिए, सेकंड नंबर में देखिए आप ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं ना, ट्रायंगल को इधर उधर घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए ए बी बाई ए बी बाई हो जाएगा क्या, क्यू आर इक्वल बी सी बाई पी क्यू इक्वल ए सी बाई पी आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 2/4 इक्वल 2.5/5 इक्वल 3/6, तो यहाँ पे 2 2 या 4 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये भी 2 टाइम कट जाएगा, 1/2 और 1/2 इक्वल 1/2, यानी क्या हो गया जी, तीनों इक्वल हो गया। अब जब तीनों इक्वल हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, सो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, ये किससे हो जाएगा जी, बाई एसएसएस सिमिलरिटी। ठीक है जी, सिमिलरिटी से हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर में बस आपको देख लेना है, ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ चेक कर लेना है। चेक क्या करना है कि ये देखिए ये हमारा 2.7 है, तो इसका कोई है, इसका जो यदि इसे 2 2 4 हो रहा है, 3 2 6 हो रहा है, तो 2.5 2 2.7 है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा, लिख देंगे इट इज नॉट सिमिलर, इट इज नॉट सिमिलर। ठीक है जी, और इसमें एक दो क्वेश्चन और होगा तो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हाँ ये देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में फाइंड करना है क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में फाइंड करना है डी ओ सी, ध्यान दीजिएगा डी ओ सी फाइंड करना है एंड डी सी ओ फाइंड करना है, डी सी ओ फाइंड करना है और ओ ए बी फाइंड करना है, ओ ए बी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सॉल्यूशन कर सकते हैं, बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। सॉल्यूशन है कि डी ओ बी इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जी। ठीक है, तो मैं यहां पे ये कर सकता हूं कि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल 180 डिग्री, ये तो राइट कर सकता हूँ जी, राइट कर सकता हूँ। चलिए राइट कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे डी ओ सी तो है नहीं, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, सी ओ बी कितना, 125, 125 इक्वल 180, मीन्स एंगल डी ओ सी इक्वल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125, मीन्स एंगल डी ओ सी इक्वल कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, ये आ गया 55, तो ये कितना होगा जी, तो लिंक करेंगे इन ट्रायंगल डी ओ सी, डी ओ सी एंगल डी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल डी 75 प्लस डी ओ सी 55 प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 5 और 5 10 हो जाएगा, 5 7 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, तो
प्लस एंगल, इसको सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी सी ओ भी लिख सकता हूँ, डी सी ओ भी लिख सकता हूँ, इक्वल 180 डिग्री, मीन्स एंगल डी सी ओ इक्वल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130, तो कितना हो जाएगा जी 50, ठीक है जी। और इसी तरीके से एक और है, एक और निकाल लेंगे आप ए ओ बी, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 55 भी होगा ना, ये 75 भी होगा ना, ये कितना हो जाएगा, ये जितने के लिए 50, तो ये भी 50 हो जाएगा, 50 हो गया, मीन्स एंगल ओ ए बी इक्वल कितना हो गया 50, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लोग बोल सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा जी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए गिवन है कि एबीसीडी एक ट्रेपेज़ियम है, एबीसीडी क्या है, ट्रेपेज़ियम है, जिसमें कि ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल, एंड डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है इसी तरह एट पॉइंट ओ पॉइंट पे डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। जब बाइसेक्ट कर रहा है आपको प्रूफ करना है ओ ए बाई ओ सी और ओ बी बाई ओ डी, ठीक है। चलिए प्रूफ देखिए, प्रूफ में करते हैं इन ट्राइंगल ओ सी डी एंड ट्राइंगल ओ ए बी। इसमें देखिए ये और ये इक्वल होगा, किससे होगा जी, अल्टरनेट इंटीरियर से, एंगल डी सी ओ इक्वल एंगल बी ए ओ, ये किससे हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्या होगा जी, ये और ये हो जाएगा, तो देखिए एंगल ए बी ओ, अरे इधर से देते हैं, एंगल सी डी ओ इक्वल एंगल ए बी ओ, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर से। और क्या होगा जी, ये और ये क्या हो जाएगा, मींस एंगल डी ओ सी इक्वल एंगल बी ओ ए ओ बी, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है जी, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ सी डी सिमिलर ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, जैसे देखिए ओ ए बाई ओ ओ सी बाई ओ ए, ओ सी बाई ओ ए इक्वल ओ डी बाई ओ बी, ओ डी बाई ओ बी, अब इसको प्लट के ऐड कर सकते हैं, ओ ए बाई ओ सी इक्वल ओ बी बाई ओ बी, रूट, ठीक है जी। अच्छा दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा मैं इधर राइट कर देता हूँ, इसको मैं ये कर सकता हूँ ना, ओ ए बाई ओ सी इक्वल ओ बी बाई ओ डी, ये मैं राइट कर सकता हूँ, प्रूफ यही प्रूफ करना था, कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया, और सिमिलर करने के बाद इसके साइड का प्रोपोर्शनल जानते हैं कि इक्वल होता है, तो सो इक्वल हो गया, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में गिवन है क्वेश्चन, आप लोगों के पास है, देखिए मैं क्वेश्चन राइट नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं राइट कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोगों के पास होगा ही, इसलिए मैं राइट नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग बुक में देखिएगा और सॉल्यूशन आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे, क्वेश्चन नंबर फोर है, गिवन है कह रहा है कि QR by QS on QT by PR, ठीक है जी, बस इसी को सॉल्व करना, चलते हैं सॉल्यूशन प्रूफ। इन ट्राइंगल PQR, देखिए ध्यान से देखिएगा, PQR PQR में देखते हैं, ठीक है। तो
तो पी क्यू आर में क्या है जी, एंगल वन इक्वल एंगल टू, ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है, ये गिवन है जी, गिवन है। देयरफॉर क्या होगा, पी क्यू इक्वल क्यू आर, पी क्यू इक्वल क्यू आर। इसका रीजन क्या आएगा जी, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है जी, ये हो गया। अब देखिए क्या है, नाउ इट इज गिवन दैट क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल क्यू टी बाई पी आर, ये गिवन है जी। यहां से क्या करेंगे, ये गिवन हो गया, यहां से क्या करेंगे, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल क्यू टी बाई, यहां से चेंज कर लेंगे। देखिए यहां पे पी आर क्यू आर पी क्यू, ठीक है जी, यहाँ पे एक मिनट अपडेट कीजिए, एक मिनट देखता हूँ मैं। हाँ जी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे क्यू आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा पी आर होगा, यहाँ पे पी आर होगा, क्योंकि ये और ये इक्वल होगा ना, ये और ये इक्वल होगा ना, तो ये और ये साइड मीन्स पी क्यू एंड पी आर, तो यहाँ पे पी आर की जगह पे पी आर की जगह पी क्यू राइट कर सकते हैं, PQ राइट कर दिया। अब ये देखिए क्या हो गया, QR by QS, QR by QS और क्या है जी, QT by QP अगर PQ हो गया, तो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, यूजिंग यहाँ से आगे देख लीजिए, इधर कर देता हूँ मैं, यूजिंग CBPT, सॉरी यूजिंग CBPT नहीं कर रहे हैं, यूजिंग सीपीटी नहीं कर रहा है। अब चलना है नाउ, चलिए इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इरेज कर दूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ जी ये आ गया, ये चीज मेरे पास आ गए। अब देखिए इन ट्राइंगल, हाँ जी वो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, तो इसमें हमको देखिए क्या मिल गया, एक तो ये मिल गया, एक मिल गया हमारा क्या, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल QT by PQ और एंगल Q इक्वल एंगल Q, ये हम लोगों ने प्रूव किया, प्रूव एबव, और ये हमारा Q इक्वल Q हो गया, ये कॉमन हो गया। सो ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल TQR, ठीक है जी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। देखिए पहले गिवन था कि वन और टू इक्वल है, ठीक है, एंगल वन और टू इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगा, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पी आर था, तो पी आर इक्वल क्यू क्यू पी है, तो हम पी आर की जगह पे क्यू पी तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, बस उसी से मैंने कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहा है कि गिवन है P इक्वल आर टी एस, मीन्स एंगल P इक्वल एंगल आर टी एस, ये वाला एंगल इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल आर पी क्यू
आर पी क्यू और आर टी एस, आर टी एस, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। ये तो बिल्कुल ईजी है प्रूफ, एक तो पहले से आपको गिवन है इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, ठीक है जी। इसमें हम लोग का दिया हुआ क्या एंगल पी इक्वल एंगल आर टी एस, ये तो गिवन हो गया, ये हमारा क्या हो गया गिवन हो गया। एंड एंगल आर इक्वल एंगल आर, ये हो गया कॉमन, कॉमन हो गया। सो ट्राइंगल, सो ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस बाई बाई किसे हो जाएगा जी, ए ए सिमिलर, ठीक है जी प्रूव्ड। इसके पिछले वाला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे वो एस एस से था, वो मैंने सॉरी राइट नहीं कर पाया था, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा किस तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स में गिवन है कि ए बी ई, ए बी ई और ए सी डी, ए बी ई, ए बी ई और ए सी डी, ए सी डी ये वाला ये ट्रायंगल क्या है जी, कॉन्ग्रेंट। तो प्रूफ में चलते हैं। इट इज गिवन दैट, इज गिवन दैट ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी डी, ये हमारा गिवन है कॉन्ग्रेंट। तो यहां पे क्या होगा, ए बी इक्वल ए सी होगा बाई सी पी सी टी से। अगर ए बी इक्वल ए सी होगा तो ए डी इक्वल, ए डी इक्वल ए बी होगा, ये भी बाई सी पी सी टी से होगा। इसके क्वेश्चन वन, इसके क्वेश्चन टू कर देते हैं। अब करते हैं डिवाइडिंग, डिवाइडिंग क्वेश्चन वन एंड टू। तो यहां क्या आ जाएगा जी, ए बी बाई, ए बी बाई ए डी इक्वल ए सी बाई ए ई, ए ई एंड 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 एंगल ए इक्वल एंगल ए। इसको मैं लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी में देखिए दो साइड का प्रोपोर्शनल, दो साइड का प्रोपोर्शनल हो गया ए बी बाई ए डी भाई, देख लो ऐसे इस तरीके से है। एक हमारा ये हो गया ए डी ई और एक हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया ये वाला ए बी सी। तो एंगल ए, एंगल ए तो कॉमन है जी, और क्या है ए बी बाई ए डी है और ए सी बाई ए ई है। तो क्या हो गया, साइड पर प्रोपोर्शनल हो गया और एंगल भी इक्वल मिल गया। तो हम बोल सकते हैं सो ट्राइंगल, सो ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी by S A S similarity, ठीक है जी, S A S similarity से ये प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में गिवन है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है और उसमें ए डी और ई सी क्या अल्टीट्यूड है। तो हमें प्रूव करना है कि ए ई पी, ध्यान दीजिए ए ई पी एंड सी डी पी, सी डी पी ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा कॉन्ग्रेंट सिमिलर होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, सी डी पी। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए ई पी
इक्वल एंगल ए सी डी पी इक्वल 90 डिग्री, ये है एंगल ए पी ई इक्वल एंगल सी पी डी, ये क्या हो जाएगा जी, इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी बाय ए ए सिमिलरिटी। ठीक है जी, प्रूव हो गया एक, दूसरा नंबर उसी तरीके से प्रूव करेंगे, ये पहला नंबर प्रूव हो गया। दूसरा नंबर इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सी बी ई सी बी ई, तो यहां पे देखेंगे ए डी बी ए डी बी, ये इस ट्रायंगल की बात हो रहा है जी, इस ट्रायंगल की बात हो रहा है, और सी बी ई सी बी ई सी बी ई इस ट्रायंगल की बात हो रहा है। तो यहां पे एंगल एंगल बी इक्वल एंगल बी कॉमन कॉमन हो गया, और कौन सा था जी, एक तो हमारे ये था ना, तो ये एक 90 डिग्री हो जाएगा, ये एक 90 डिग्री हो जाएगा, और कौन सा था सी बी ई सी बी ई, तो एक ये 90 डिग्री हो जाएगा। इन्हें लिख सकते हैं कि एंगल सी ई बी सी ई बी इक्वल एंगल ए डी बी इक्वल 90 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ए बी ए डी बी ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई बाय ए ए सिमिलरिटी। ठीक है जी, तो दो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया, इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर थर्ड क्वेश्चन देख लेता हूँ इसका, देखिए थर्ड क्वेश्चन में है, फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया थर्ड नंबर, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। देखिए ए ई पी कहाँ है, ए ई पी एक तो ये पी हो गया, और दूसरा क्या है ए डी बी ए डी बी, तो इसमें देखिए इसमें ये वाला एंगल कॉमन हो गया, एंगल ए इक्वल एंगल ए कॉमन कॉमन हो गया, एंड अब देखिए ये 90 डिग्री है ना जी, ये एक 90 डिग्री है इसमें, और इसमें एक ये 90 डिग्री है, यानी एंगल ए ई पी इक्वल एंगल ए डी बी इक्वल 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी बाय ए ए सिमिलरिटी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर फोर लास्ट देख लेते हैं, इसमें ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी डी सी पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी, तो देखिए पी डी सी कहाँ है जी, पी डी सी इस ट्रायंगल की बात हो रहा है, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है जी बी ई सी B E C, तो C कॉमन हो गया, एंगल C इक्वल एंगल C कॉमन, और क्या हो गया जी, एक ये कॉमन हो गया और एक ये 90 डिग्री, एक ये 90 डिग्री और इसमें के 90 डिग्री हो गया, ये बोल रहा था ना B E C, हाँ जी B E C में एंगल हो गया, इसमें हो गया P D C, P D C में एंगल D 90 डिग्री हो गया ना, P D C 90 डिग्री हो गया, एंगल P D C इक्वल एंगल बी ई सी इक्वल 90 डिग्री। सो ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी ई सी बाई ए ए सीमी। ठीक है जी, तो देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, देखते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।